अमान तो बच्चा है, बहलाने से बहल जाएगा, लेकिन बेटा तुम अपना दिल कब तक बहलाती रहोगी? जब तक मैं मायूस ना हो जाऊं। आप ही ने कहा था ना, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे और मसूद तुम्हें मिल जाए। जरूर मिलेंगे अम्मी। जाओ बेटा, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में सोपा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नानी नानी जल्दी चलिए, चाची और राजा अंकल लड़ाई कर रहे हैं। राजा, कितना समझाया था मैंने उसे कि भैया ये लड़ाई वड़ाई करना छोड़ दे। मैंने सोचा वो सुधर गया, लेकिन राजा की गलती नहीं होगी, जरूर गुराम रसूल ने कुछ कहा होगा जब ये सब हो रहा है। वो तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वो हैदर अली से लड़ रहे हैं। या अल्लाह, गुलाम रसूल अब तो सुधर जा। और अगर हैदर अली होटल खोल रहा है तो हमें उसे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, जाके उसे जवाब दिया होगा उसने, और जब ये लड़ाई हुई है। आप अभी जल्दी चलिए, वहाँ पर डंडे चल रहे हैं। डंडे भी चल रहे हैं? कौन चला रहा है डंडे? अलीजान भी डंडे के साथ आया है। अलीजान भी डंडे के साथ लड़ रहा है? वो मच्छर, चल तो सही, चल मेरे साथ। लो आ गए सुरमा जंग फतेह करके। आइए, मैं आपकी खातिर करती हूँ। बहुत तकलीफ है भाई। हाँ, तकलीफ हो रही है अब। अरे कमबख्त मारे, मैंने तुझसे मना किया था ना, तूने पूरे शहर का ठेका लिया हुआ है। मना किया था कि हैदर अली के पास नहीं जाना, लेकिन नहीं गया उसके पास लड़ने के लिए। अरे अम्मा जी, मैं उसके पास नहीं गया था। अम्मा जी, मैं तो उसके मुंह पे थूकने तक नहीं जाऊं उसके पास। अरे वो खुद ही आया था आगे, पहल उसी ने की थी। अम्मा जी देखो, मैं चुपचाप से जा रहा था, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। मैं पूरा ठीक ठाक से जा रहा था, सीधा सामने से आके खड़ा हो गया मेरे, बोलने लगा, ओ गुलाम रसूल अब भी वक्त है, आ जा मेरे पास। अरे बुढ़िया का होटल तो कुछ दिन बंद हो जाएगा, फिर क्या करेगा तू, कहाँ से खाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, भूखा मरेगा, भीख मांगेगा। अम्मा जी कौन सुन सकता है इतना। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? पूछो आप राजा से भाई, बोलना यार सही है कि नहीं। अम्मा जी अगर लोग भीख बचाव करने नहीं आते ना, तो हैदर अली की टांगे चीर देता मैं। बहुत अच्छा करते, टांगे तोड़ देता। अगर उसने मुझे बुरा भला कहा है तो उसमें तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत है? अगर वो बदतमीजी और गुंडागर्दी कर रहा है, तुम लोग को उसका जवाब देने की क्या जरूरत थी? अम्मा जी वो गुलाम रसूल को कुछ भी बोलता तो कोई बात नहीं थी, वो मुझे भी गाली दे देता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने आपको भला बुरा कहा और ये बात मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। और मैं भी नहीं। सुना नहीं क्या? अगर उसने कहा तो कहने देना था, उसमें बुरा क्या है? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने बुढ़िया कहा है तो क्या गलत कह दिया, बुढ़ी तो मैं हूँ। अम्मा जी आपको पता है उसने और क्या क्या कहा? क्या? वो कह रहा था कि बुढ़िया वैसे तो नेक बनी फिरती है, लेकिन अपने होटल में मरी हुई मुर्गियां खिलाती है। अब बोलो। अम्मा जी पहलवान आदमी हूँ, मेरा तो दिमाग सनक गया। हैदर अली को दिया खींच के बने, वो गया जमीन पे। मेरा पैर। अब क्या हुआ इसे? थोड़ी सी लग गई। अम्मा जी हैदर अली ने धक्का दिया इसको, घुटने पे लग गई। चलो ले चलो अंदर, मरहम पट्टी करें, बहुत बड़ा काम करके आए। नहीं सुधरोगे तुम लोग। और भाई कैसे हैं असल में? अरे भाई हो गया, बस हो गया, बहुत तकलीफ, चोट लगी, तकलीफ तो होगी। अब पैर नीचे रख लो। जी देखो अलीजान, अगर किसी ने तुम्हें बुरा कहा है, हाँ,
तो तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि वो शख्स जो बुरा कह रहा है उसको सिर्फ बुराई कहना आता है, अच्छाई उसे आती ही नहीं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है वो सुनो। फरमाइए। अगर किसी जगह तुम्हारे खिलाफ बुराई हो रही है और तुमने सुन लिया और तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुम्हारे दिल को चोट लगी है, तुम चाहते हो कि उसको जाके मारूं पीटूं खत्म कर दूं, लेकिन रसूलल्लाह ने क्या कहा कि नहीं, ऐसी जगह से तुम हट जाओ, ना कि उस आदमी के साथ जाके झगड़ा करो। एक मर्तबा क्या हुआ था पता है जी, कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आकर किसी ने बुरा कह दिया। ओहो। हसत उमर रदिलाना को बहुत गुस्सा आया, आप गए रसूलल्लाह के पास और कहा, रसूल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस शख्स का सर कलम कर दूं। तो रसूलल्लाह ने क्या कहा, नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने तो सुना है कि रसूल अल्लाह की तौहीन में अगर किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो उसकी सजा मौत है। कुछ मुल्कों में तौहीन रिसालत की सजा मौत जरूर है, लेकिन ये सजा तो इंसानों ने बनाई है। अगर उन्होंने रसूल की हदीसें पढ़ी होती जो बहुत मेहरबान और रहमदिल है तो वो ऐसा नहीं करते। रसूल ने कहा है कि सजा उतनी ही दो जितनी वाजिब हो। अब अम्मा जी गाली सुन के तो गुस्सा ही आता है, और गुस्से में वाजिब और गैर वाजिब कहां पता चलता है भाई। अव्वल तो ये है कि गुस्सा हराम, और दूसरी बात ये है कि सजा उतनी ही दो जितना उसका कसूर है। अगर हैदर अली ने मुझे बुरा कहा तो आप लोगों को मुझे आके बताना चाहिए था, लाठी डंडा लेके वहीं शुरू हो गए आप लोग। अम्मा जी आपके खिलाफ अगर किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो उसकी जुबान खींच लूंगा मैं जी। तुम और मैं किसी को क्या सजा दे सकते हैं? अरे सजा जो देनी है वो ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए, और जब वो सजा देगा ना उसके बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है भाई, अब देखते हैं अल्लाह ताला हैदर अली को कौन सी सजा देता है। हाय हाय, तू चल के भाई कुछ खा ले, तेरी हाय हाय बंद हो जाए। आ जा, हल्दी वाला दूध भी दे दे। अम्मा जी दूध नहीं पचता इसको, अम्मा जी आ जा, आ चल चल चल। अच्छा, अरे तेरी भूख की हाय, चोट इतनी ज्यादा नहीं। हाय, संभाल के ले जा गुलाम रसूल। हाँ हाँ, उसको तकलीफ है। हाँ हाँ, देख भाई गुलाम रसूल, हैदर अली ने जो बात कही वो उसने गलत ढंग से कही। अरे गंवार आदमी है ना, बात करने की तमीज तो है नहीं, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सही कहा। सही कहा, अम्मा जी को बुड्ढी बोला और मुझे गालियां दी, ये सही कहा उसने, ये सही कह रहे तो। अरे यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद हैदर अली एक बड़ा होटल खोलने वाला है। तो खोले। अरे उसने उसके लिए दूर दूर से खाना पकाने वाले मंगाए हैं, सुनने में आया है कि वो चीनी और अंग्रेजी खाना भी पकाएगा। अरे जब वो ये खाना पकाएगा तो उससे तेरे कारोबार पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो है, एक झोपड़े के सामने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए तो लोग तो बिल्डिंग को देखेंगे ना, झोपड़े पे किसी की नजर नहीं जाती। लेकिन तू इसी झोपड़े में आएगा, हैदर अली के होटल में तुझे पानी के लिए पूछेगा नहीं कोई, इसी होटल में आएगा झोपड़े में खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। झोपड़ा कह रहा है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। अरे कोई ना कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे तुम्हारा कारोबार खराब ना हो। वो तो है भाई। हाँ, यही तो मैं बोल रहा था इनसे। अरे ये मुकाबले का जमाना है, हर दुकानदार दूसरे दुकानदार से मुकाबला कर रहा है और दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, हम भी मुकाबला करेंगे, लाठी डंडा चला देंगे, चलो। अरे अगर लाठी डंडे की बात चली तो मालूम है अम्मा जी क्या करेंगे तेरा? वो मुझे नहीं मालूम है, बस मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह है रिस्क देने वाला, वो इंतजाम करेगा हमारा। मेरे पास एक तरकीब है। हाँ भाई बता दो यार, तरकीब तेरे पास ही आती है, कौन सी है? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक पोस्टर छपवाते हैं और उसके ऊपर लिखवाते हैं कि हैदर अली के होटल में मरी हुई मुर्गियों का कुर्मा मिलता है। ये अच्छा है। अरे लेकिन इसमें गलत क्या है भाई,
मुर्गी को मारने के बाद तो कोरमा बनाते हैं उसका। अरे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस बात का लोगों पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। वाह क्या तरकीब है, मैं तो पढ़ते ही भाग जाऊंगा। ये लो भाई, गलत असर पड़ना शुरू हो गया। भाई आलीजान, तू तो भाग जाएगा वो तो सही है, तू भागने में बहुत होशियार है, पढ़ेगा कैसे, पढ़ना तुझे आता नहीं। मामा मेरा मतलब है कि जो भी पढ़ेगा वो भाग जाएगा। कभी नहीं आएगा। अच्छा अब ये बताओ कि ये पोस्टर छापेगा कौन, मतलब छपेगा कैसे? मेरा एक जानने वाला है, उससे छपवा लेंगे। ठीक है, कितना पैसा लगेगा? ये जो अपना क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था ना, उस टाइम मैंने कुछ 100 पोस्टर छपवाए थे। अच्छा। और उसने 700 रुपए लिए थे। 700 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अब गुलाम रसूल, 500 रुपए तो कम से कम देने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो 500 रुपए की भी तो, एक काम करते हैं पर्ची बढ़वा दें, पर्ची छोटी वाली आती है ना वो छपा के बढ़ा, सस्ती पड़ेगी वो। अच्छा वो हैंडबिल? हाँ भाई वो बढ़ा देते हैं, उसमें सब लिखवा देना, हो जाएगा काम। हाँ ऐसा करते हैं, हैंडबिल छपवा देते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को सबको हैंडबिल पकड़ा देंगे। हाँ वो पूरे के पूरे गाँव में पूरे बांट देंगे, और इसे मस्जिद के सामने खड़ा कर दूंगा मैं, जाके मस्जिद के दरवाजे में चिपका दूंगा। तू तो वहीं खड़ा रहेगा जूता चोर। भाई लेकिन उसमें लिखेंगे क्या? अरे भाई जो मैंने पहले बताया ना कि इस होटल में मरी हुई मुर्गियों का कुर्मा मिलता है। हाँ, और बाकी का सब कुछ। तो एक काम करो, ये सारा कुछ ना तुम एक कागज के ऊपर लिख के दे दो और मैं उसे छपवा देता हूँ। और कुछ ऐसा लिखना कि उस कमीने की होटल में कभी कोई ना आए, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हो जाए, लिख दो। लिख तो मैं दूंगा गुलाम रसूल, लेकिन मुझे उर्दू तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये सारा का सारा अपनों को अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। और ये जो सब कुछ होता है ये अंग्रेजी में ही छपवाना पड़ेगा। अब जो बाहर से लोग आते हैं वो सब अंग्रेजी समझते हैं, तो हमें अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। मगर ये अंग्रेजी लिखेगा कौन? मेरे पास एक आदमी है। नहीं मैं नहीं लिखूंगा। बेटा मान समझ, ये कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। लिखते, शाबाश। ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है जाते। ये डायलॉग नहीं है। अरे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। नानी को पता चल गया ना तू मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे लेकिन नानी को पता कहाँ से चलेगा? देखो सिर्फ हम चार लोग जानते हैं इसके बारे में, और हम चारों कसम खा लेंगे कि हम किसी को बताएंगे नहीं, खत्म हो गई बात। शाबाश लिखते। नहीं मैं नहीं लिखूंगा। यार अमन तो समझदार हो गया है ना, है? अब कितना बड़ा भी हो गया, समझ इस बात को, ये होटल ही है जिससे हम सबका गुजारा चलता है ना। तेरे अब्बा तो बेटा पता नहीं कहाँ चले गए, और तेरी अम्मी उनको ढूंढने में लगी पड़ी हैं। अब नानी के पेंशन से हम लोग कब तक गुजारा करेंगे बोल, कब तक? समझ बेटा। ठीक है बताओ क्या लिखना है। वही मुर्गी के बारे में। मेरे हुए मरी हुई मुर्गी का कोरमा 20 रुपए का, 3 दिन बासी मछली 30 रुपए की, जली हुई रोटी 2 रुपए की, कच्चा चावल की बिरयानी 40 रुपए की। कैसा होटल है यार? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, बहुत हंस रहे हो। ये लीजिए नानी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मॉडर्न होटल जल्दी खुलने वाला है जिसमें आपको सस्ता और उम्दा खाना मिलेगा। वेरी गुड। मरीवी मुर्गी का कोरमा 20 रुपए, 3 दिन बासी मछली 30 रुपए, जली हुई रोटी 2 रुपए, कच्चे चावल की बिरयानी 40 रुपए। किस कमबख्त ने लिखा है ये? हाँ वो कुछ नहीं नानी, अली जान ना मस्जिद के दरवाजे पे पोस्टर चिपका देते, तो मैंने एक ले लिया। अली जान, अम्मा जी मैं कसम खाता हूँ वो पर्चा मैंने नहीं लिखा। मैं जानती हूँ अली जान कि वो पर्चा तुमने नहीं लिखा। अरे तुम्हें तो अपना नाम लिखना नहीं आता, तो फिर तुम वो पर्चा कैसे लिख सकते हो? लेकिन एक बात जानना चाहती हूँ कि वो पर्चा तुम्हें किसने दिया?
जो तुमने मस्जिद के दरवाजे पर लगाए। बोलो अलीजा, चुप क्यों हो? बोलो ना। देखो अलीजान, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और कभी तुम्हें मेरे घर में घुसने नहीं दूंगी। अब सच सच बता दो, किसने दिया था वो पर्चा? अम्मा जी, मैंने उनसे वादा किया है, कसम खाई कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम जानते हो अलीजान, किसी बुरी चीज के लिए कसम खाना और किसी बुरे का साथ देना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता। अब सच बता दो, कौन था? आप कहती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मगर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप उन लोगों को कोई सजा नहीं देंगी, माफ कर देंगी। ठीक है, मैं उनको कोई सजा नहीं दूं। इस बात से हैरान हूं कि ये बात अम्मा जी तक पहुंची कैसे? ये बात सिर्फ हम चार जानते थे, गद्दार हम में से कोई है। अमान मिया, चाचा मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने नहीं बताया। राजा भाई, गुलाम भाई, कसम से मैंने भी नहीं बोला। अरे मेरी तरफ क्या देखो यार, मैंने भी नहीं बोला कसम से, मैं क्यों बताऊंगा? भाई मेरी तरफ क्या दिख रहे हो? मैं भी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ही बताया। चमड़े की जुबान है भाई, फिसल गई, मैंने उनका बहुत नमक खाया। तेरे से उम्मीद थी मुझे, गलती हो गई भाई। तो सारे फसाद की जड़ यही है। अच्छा चाची, नानी ने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? यार मैंने भी तो कितनी माफी मांगी उनसे, हाथ जोड़े गिड़गड़ाया, पैर तक छू लिया, मैंने कहा अम्मा जी मानने को तैयार नहीं हो रही। गुलाम भाई चार जूते मार लेती ना मुझे तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना उनकी हालत देख के हो रहा है। तो भाई मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा जी इस सारे मामले को अपने ऊपर ले लेगी और ऐसा हो जाएगा, बड़ी गलती हो गई भाई। अब क्या किया जाए? पहले तो मैं इसको मुर्गा बनाकर तंदूर में डाल दूं, कम वक्त को ज़बान पे काबू नहीं है। यार राजा बताओ ना अब क्या किया जाए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी भी कहां समझ में आ रहा है। अमान बेटा तू तो कंप्यूटर पर बैठता है, अल्लाह ने तुझे दिमाग भी दिया है, इस्तेमाल भी करता है उसका, तू दिमाग लगा बेटा, कुछ कर, तेरी नानी है ना वो, तेरी बात मान भी जाएंगी। पे काम कीजिए। हाँ, बोल बोल बोल। आप तीनों मेरे साथ आइए। कहाँ? नानी के पास। तीनों? बात मैं करूँगा। अच्छा। आप ठीक है। लेकिन आगे तुम ही रहना भाई। हाँ। हैं? तो बहुत अच्छा। आप कल सवेरे हमसे बात करेंगी ना? मैं तुम चारों से बहुत नाराज हूँ, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नानी जब मस्जिद के इमाम साहब और चाचे के बीच झगड़ा हुआ था तब आपने मुझसे एक बात कही थी। आपने कहा था कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से
3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है बेटा ये क्या है? ये हदीस है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो फिर आप 3 दिन के बाद हमसे नाराज नहीं रहेंगी ना? जाओ, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। अजय जी, तुम सबको हैदर अली से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी मांग लेते हैं भाई, अभी मांग लेते हैं। अभी अभी जाकर मांग लेते हैं, तुरंत तुरंत। अजय सुनो, माफी मांगे ना, कौन से पड़ेगा। हाँ बिल, मैं भी जाऊँ नानी। हाँ बेटा जाइए। अल्लाह हाफिज नानी। अल्लाह हाफिज। डिग्री वापस आ गई, हैदर अली से माफी मांग ली। अरे अम्मा जी, क्या माफी मांगे, वहां ना तो हैदर अली है ना उसका होटल है। खुदा खैर करे, क्यों क्या हुआ? अम्मा जी हुआ यूं कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वो अपनी नई होटल के खुलने की खुशी का जश्न मना रहा था। नानी खूब आतिशबाजी हुई और पटाखे भी बज रहे थे। अम्मा जी आतिशबाजी हो रही थी, उसमें से एक चिंगारी उड़ी और हैदर अली के होटल में जा गिरी। फौरन उसमें आग लग गई और सारा होटल जल के खाक हो गया। होटल जल गया, वो कैसा है? हैदर अली तो अस्पताल में है लेकिन खतरे से बाहर है। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अजी जैसी करनी वैसी भरनी, अल्लाह ने उसके किए कि उसे खूब सजा दी। मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी के ऊपर हसद करना चाहिए। हसद इंसान की सारी नेकियों को सूखी घास की जैसे जला देता है। जी वो तो है। हमें उसके पास जाना चाहिए। गुलाम रसूल, तुम मुझे वहां ले चलो, अल्लाह उस बेचारे का भला करे। अल्लाह फजल फरमाए। क्या कुछ पता नहीं क्या गुनाह किए थे हम, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह से जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कुछ भी जिंदगी में अच्छा नहीं किया मैंने, ऐसे कुछ नहीं पता। हैदर अली लेटर हो, लेटर हो, आराम करो आराम करो। कैसी है तबीयत तुम्हारी? जब मैंने सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जिद की इन लोगों से कि मुझे तुम्हारे पास ले चलो। वो तो गुलाम रसूल भी जिद कर रहा था आने की तुम्हें देखने के लिए, लेकिन मैंने उसे रोका कि उसका होटल में रहना बहुत जरूरी है। आतिशबाजी करनी थी तो जरा सोच समझ के करना था। चलो जो हुआ सो हुआ, बला टली, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी। होटल क्या है, दूसरा बन जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जान बचा दी। जान है तो जहान है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। जरा रुकी, आप किस मिट्टी की बनी है अम्मा जी? मैंने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा आपके बारे में बुरा सोचा।
गुलाम रसूल, राजा सबके साथ बुरा किया, इन लोगों के साथ मार पिटाई तक की, आपके साथ हसद किया, लेकिन आपने आपने कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। शायद शायद अल्लाह ने मुझे मुझे इसी बात की सजा दी है। अब ये निशान ता उम्र मेरे जिस्म पर रहेंगे और मुझे याद दिलाते रहेंगे कि किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। अम्मा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? ऊपर परवरदिगार है, वो माफ करता है। अब तुम आराम करो, हाँ? राजा को मैं यहाँ छोड़े देती हूँ ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके, ठीक है? जी। और कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे राजा के हाथ कहलवा देना, हाँ? कुछ मत सोचो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारी जान बचा दी, हाँ? चलती हूँ मैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। राजा ख्याल रखना, हाँ? जी अम्मा। अब मैं माफ करती हूँ।